हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन जो पढ़े हुए थे उसमें हम नरेशंस का डेफिनेशंस बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन, और उसमें जो उसके दो रूल थे, जनरल रूल और स्पेशल रूल की बात किए थे। अब जनरल रूल में हम आपको बताए थे कि उसके तीन पार्ट थे, जिसमें बताया गया था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसमें हम लोग चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन, ये दोनों रूल हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं कि कुछ प्लेस होते हैं जिसमें दूरी और निकट की बोध होती है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच आज हम लोग पढ़ेंगे, ये रूल्स क्या कहता है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जनरल रूल का पार्ट है, जनरल रूल का ही पार्ट है जिसमें आपको बताया गया था। जो तीसरा रूल इसका है, पार्ट्स चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कौन शब्द कैसे बदलता है। अब हम देखने जा रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच और इधर हम लिख रहे हैं इन डायरेक्ट स्पीच। अब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो इनडायरेक्ट में अलग तरह से बदलते हैं। जैसे में दिस बदलेगा दैट, हियर बदलेगा देयर में। इसी प्रकार अगर आपको हाइदर दे दे तो दाइदर में बदल जाएगा, हाइदर दाइदर में बदल जाएगा। अगर आपको गो दे दे, सॉरी कम दे दे, गो में बदल जाएगा। जबकि आपको हैंस देगा देंस में बदलेगा, दस देगा सो में बदलेगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे हैंस हो गया जो देंस में बदलेगा, कम होगा गो में बदलेगा, और दस होगा सो में बदलेगा। इसको हम मिटाएंगे, ऊपर लिखेंगे तो आप इसको स्क्रीन शॉट कर लें या लिख लें। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि जो डी होते हैं, जो डी होते हैं वो किस प्रकार बदलते हैं। जैसे में टू नाइट हो जाए, टू डी हो जाए, टू मोरो हो जाए, तो इस प्रकार बताएंगे। तो टू नाइट जो होगा वह दैट नाइट में बदल जाएगा, टू डे जो होगा वह दैट डे में बदल जाएगा, टुमोरो जो टुमोरो है वह आपका एस्टरडे में बदल जाएगा, या फिर एस्टरडे में बदल जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके बदलते रहते हैं। जैसे में लास्ट नाइट हो जाएगा, प्रीवियस में चला जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में सॉरी टुमारो का जो हो जाएगा वह नेक्स्ट डे में हो जाएगा, नेक्स्ट डे में हो जाएगा। इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच में है वह इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते रहेंगे।
हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, जो डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड थे पार्ट ऑफ स्पीच के, जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल चुके हैं। जैसे मैं आपको याद रखना, टू कभी भी लग जाए उसको दैट कर दीजिए। शायद टू नाइट हो तो दैट नाइट हो जाएगा, टूडे होगा दैट डे हो जाएगा, टुमोरो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, मतलब टुमोरो मतलब कल होता तो उसका अगला दिन हम करते हैं नेक्स्ट डे। स्टार्ट यानी बीता हुआ, पीछे रहेगा तो उसमें प्रीवियस लगाएंगे, लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ है प्रीवियस नाइट कर देंगे, नेक्स्ट डे आएगा फ्लुएंट डे कर देंगे। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थे जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल रहे हैं। तो अब आपके खत्म होते हैं या जो जनरल रूल थे, अब हम लोग को स्पेशल रूल पढ़ना है। तो ऐसे तो नरेशन बहुत टॉप लेवल्स के होते हैं, लेकिन जो 12th के सिलेबस में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल में समझना होगा आप लोगों को, जो स्पेशल रूल होते हैं वो आपको समझना होगा। जैसे स्पेशल रूल में जो पहला रूल है वह ये बताया जाएगा आप लोगों को कि इन्वर्टेड कोमा को कैसे बदला जाता है, इन्वर्टेड जो कोमाज होते हैं उनको कैसे बदला जाता है। तो मैं बताता हूं कि इन्वर्टेड कोमा को अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार इन्वर्टेड कोमाज को बदला जाएगा। जैसे मैं आपको हम बता देना चाहते हैं, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का हिस्से में ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टूडे, तो आपको ये समझना होगा कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसके जो सेंटेंस है वह कैसे है। तो जब ये सेंटेंस आपको अकॉर्डिंग टू टेंस अफर्मेटिव होते हैं, यानी असर्टिव हम कह सकते हैं, असर्टिव में दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव आ जाते हैं। तो यदि यह अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, तो इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल देंगे। बदलना तो है हमको इन्वर्टेड कोमा को हर हाल में, तो इन्वर्टेड कोमा हम बताएंगे तो यहां लिख सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार, सॉरी सेंटेंस के अनुसार बदला जाता है। ये क्लियर हुआ? आप देखिए कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव भी हो जाता है और कभी कभी कमांड सेंटेंस भी हो जाता है। तो कमांड के लिए अलग बताया जाएगा, कभी इफ में बदलता है और कभी कभी टू में बदल जाता है। कभी कभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आए हुए क्वेश्चन वर्ड ही हो जाते हैं। तो याद रखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के अनुसार बदला जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमास, यानी हम बताएंगे यहां पे लिखा जाएगा आप लोगों को कि एसर्टिव सेंटेंस के लिए जो बदल जाएगा वो दैट में बदल जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि कभी कभी कमांड आता है, कमांड सेंटेंस आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको इंपरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो कमांड सेंटेंस के लिए क्या होता है, यह टू में बदल जाता है या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप लोग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशंस होता है। यदि आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो, मैं पढ़ा हूं इंट्रोगेटिव फर्स्ट मतलब क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए क्या होता है, यह इफ में बदलता है। अब उसके बाद क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के लिए, और सेकेंड के लिए क्या होता है कि ना क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, यूज्ड क्वेश्चन वर्ड मतलब जो क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द आया होता है उसी के द्वारा इसको बदल दिया जाता है। ये कंप्लीट होता है, यानी पहला रूल था इन्वर्टेड कॉमास को इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब क्या होता है, मैं इसके एग्जांपल दूंगा
जैसे तीन एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैं कह दिया यहां पे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्ट कोमा, राम राम इट्स अ मैंगो। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यह बदल किसे जाएगा, दैट में, ये कंप्लीट कर दीजिए। दूसरा होता है, मान के चलते हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक ना, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग नाउ। तो अब क्या होता है, यहां पे देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो इफ में बदल देंगे, तो यहां पे जो बदलेगा इफ, यानी आपको याद रखना होगा कि जब भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा मतलब एक्सिलरी वर्ब पहले आएगा तो इफ में बदलेंगे। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर मैं देता हूं व्हेन आर यू कमिंग। तो यहां पे समझना होगा ये जो बदल जाएगा आपका व्हेन में ही बदल जाएगा, मतलब ये हुआ कि यहां पे चाहे ये भी दे सकता है राम डज नॉट, राम डज नॉट इट अ मैंगो, तो उस स्थिति में भी दैट ही होगा, मतलब अफर्मेटिव के लिए नेगेटिव के लिए दैट होगा। और यहां पे जो मैं बता रहा हूं कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा वहां पे इफ होगा, और यहां पे जब इंट्रोगेटिव सेकेंड होगा मतलब क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड से हटा दिया जाता है, कभी कभी कमांड देता है। तो कमांड में भी क्या होता है, कमांड में भी क्या होता है कि इफ का ही टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे कमांड का मैं देता हूं तो समझेंगे कमांड के लिए, जैसे मैंने दिया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर, यानी यहां पे देखा जाए इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, तो यहां पे एक रिक्वेस्ट है, यहां पे क्या है, रिक्वेस्ट है, तो यहां पे इसको टू में बदलेंगे। और इस सेंटेंस की अकॉर्डिंग मैं आगे बताऊंगा कि और कुछ में बदल सकता है या जनरली इसको हम टू में बदल सकते हैं। तो चार तरह से इन्वर्टेड कॉमा को बदला जाता है, ये पहला रूल था स्पेशल रूल का। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं क्या होता है, रूल सेकेंड में आते हैं जो नाइजेशन के, वो आपको बताया जाएगा, देखेंगे सेकेंड रूल क्या करते हैं। रूल सेकेंड जो कह रहा है कि यहां पे आपको देखना होगा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे कुछ भी होगा, आई एम सो सॉरी, तो यहां पे देखना होगा कि रिपोर्टिंग भर में आगे आपको बताया रिपोर्टिंग भर, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यदि रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, तो यदि रिपोर्टिंग भार प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है या सेज हो सकता है, नहीं तो विल से हो सकता है और नहीं तो सेल से हो सकता है, यही रहेगा। तो यदि आपका रिपोर्टिंग भार से, सेज, विल से, सेल से हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इन्वर्टेड कॉमा जो होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच में केवल� होंगे
चेंज होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे, स्पीच चेंज होंगे। मेरा मतलब जो है ये समझिएगा आप लोग, मैं तीन आपका जनरल, जनरल तो सामान्य तो लागू ही होगा, तो उसमें जो आपको मैं बताया था कि पर्सन चेंज, टेंस चेंज और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज, मतलब हमारा कहने का यह है कि जब आपके यह प्रेजेंट में होंगे या फ्यूचर में होंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब केवल पर्सन चेंज होगा और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होंगे। जैसे आपको समझना होगा, आगे मैं समझाता हूं एक एग्जांपल देकर, यहां पे ही सेड टू मी, यहीं पे मैं देख लेता हूं, ही सेड टू मी और यहां पे हम सेज कह देते हैं, He says to me, comma, inverted comma, you are reading this book. समझेंगे। तो हुआ क्या, यहां पे आपको समझना होगा कि ये तो इसको मैं कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूं, he से सरोली नहीं बताया गया, He says to me, ये बता दिए हैं तो इज दैट हो जाएगा क्योंकि बता दिया इसके सरल में। उसके बाद यू आर रीडिंग, तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है और पर्सन चेंज के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ये देख लेंगे कि सब्जेक्टिव केस में, तो यहां सब्जेक्टिव केस में चेंज हो, बस हमको पर्सन देखना है, तो यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो केस से हमको मतलब नहीं, इसके केस देखना है, तो ये सब्जेक्टिव केस है यानी सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में, तो हम फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वह होगा आई। अब क्या हुआ, यहां पे देखा जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पे देखना है कि ये सेज है, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, यानी पर्सन चेंज तो होगा ही होगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, आई और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, तो आई के साथ एक्सिलरी वर्ब जो होता है एम, अर्थात यहां पे टेंस चेंजिंग नहीं हुआ, केवल पर्सन चेंज हुआ। आगे चलेंगे हम लोग, लिख देंगे रीडिंग, और ये तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, तो दिस का मैं बताया हूं That book बन गया यार का। तो यहां पे ये समझना होगा कि जब reported speech में केवल person change, part of speech change कब होंगे, जब आपके reporting भर यानी present में होंगे और future में होंगे। अगर यहां पे will say to me भी देगा तब पर भी ये सेम टू सेम होगा। अब देखिए अगला रूल जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, यदि, तीसरा, तीसरा रूल इसका जो होगा, यदि रिपोर्टिंग भार, रिपोर्टिंग भार भार पास्ट में हो, पास्ट में हो अर्थात क्या हो, सैड, केवल एक ही फॉर्म है जो पास्ट में होगा सैड। अगर सैड होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन चेंज भी होगा, टेंस चेंज भी होगा और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज भी होगा, मतलब तीनों चेंज होगा, पर्सन, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कब, जब सैड होगा तब, यानी पास्ट फॉर्म में होगा तब, ये तीसरा होता है। जैसे मैं समझाता हूं यहां पे, ही सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा ही इज लेजी,
वह आलसी, उसने मुझसे कहा कि वह क्या है, आलसी है। तो यहां पे आप देख लीजिए ही, यदि ये मैं फॉर्म बताया हूं, सैड टू मी कॉमा, यहां पे दैट मैं बता चुका हूं स्पेशल रूल में, क्योंकि यह अफर्मेटिव है तो यहां पे दैट होगा ही। अब देखते हैं पर्सन चेंज होगी, यहां पे सैड है, सभी चेंज होंगे, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहां पे थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब आपको बताया है एस ओ एन वन टू थ्री मतलब होता है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही हो जाएगा ही। अब यहां पे टेंस चेंज होगा, तो इज है तो हो जाएगा वाज, और हो जाएगा लेज, यानी इज जो बदलेगा आपका वाज में बदलेगा, आर भी वाज में, वेयर में बदलेगा, और एम होकर भी बन जाएगा। तो यहां पे आपको समझना होगा जो मैंने आपको तीसरा रूल बता दिया, तो इसमें मैंने तीन रूल बताया इन्वर्टेड कॉमा के लिए, और दो रूल मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता है क्या क्या होगा, मैं आपको बता दिया। अगला जो इसका मस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो समझना होगा, यदि चौथा रूल जो स्पेशल रूल है, यदि रिपोर्टिंग भार, रिपोर्टिंग भार टू सेल्स या टू सेट हो तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहां होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग भर टू सेड हो तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहां होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक ना। हो तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सी की जगह पर टेल और सिस के जगह पर टेल्स और सैड के जगह पर टोल्ड, यानी इतना बराबर लिखेंगे हम लोग, इतना बराबर इतना लिख देंगे, ये कंप्लीट होता है। यानी यहां पर मैं बताता हूं टू से ऑब्जेक्ट तो ये बदल जाएगा टेल ऑब्जेक्ट, यानी टू हट जाता है, टू सेज ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा टेल्स ऑब्जेक्ट, टू सैड हो ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा टोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी आपको ये समझना होगा कि कभी भी टू रहता है तो टू हट जाता है और सी के जगह पर टेल, सेस के जगह टेल्स और सेट के जगह पर टोल्ड हो जाता है। अब ये ध्यान रखना होगा कि आगे इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा और कमांड के लिए क्या होगा। तो जब मैं इंट्रोगेटिव का पढ़ाऊंगा नरेशन और कमांड का, तो उसके अकॉर्डिंग